प्रोजेक्टाइल मोशन में हम इससे पहले हम दो वीडियो देख चुके हैं और दोनों वीडियो में हमने प्रोजेक्टाइल मोशंस के काफी अच्छे कंसेप्ट डिस्कस किए। तो उसी में हमारा आज अगला टॉपिक है मोशन इन प्लेन में ही व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड मेकिंग एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड मेकिंग एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में हम पढ़ेंगे। मैंने स्पोज कर लिया लेट ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी यू मेकिंग एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, यानी एक ऑब्जेक्ट को हमने यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए फेंका, प्रोजेक्ट किया। अब इस यू को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा, यानी दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा। मेरी बात क्लियर है स्टूडेंट? मैंने ये भी सपोज कर लिया एट एनी इंस्टेंट ऑब्जेक्ट इज एट पी, ऑब्जेक्ट कहां है? पी पर है, और जब पी पर है तो दो तरह के पाथ कवर कर रहा है, एक वर्टिकल पाथ और दूसरा हॉरिजॉन्टल पाथ, हॉरिजॉन्टल पाथ एक्स और वर्टिकल पाथ वाई। मैंने आपको बताया था अगर हमें प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर दो तरह के मोशन होते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है एक्स और हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है यू कॉस थीटा इनटू टी टाइम टी, या टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। बहुत ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। अब एक तो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, हॉरिजॉन्टल पाथ कवर करता है, और दूसरा वर्टिकल, दूसरा क्या होता है वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन को स्टडी करने के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू वाई यानी वर्टिकल मोशन, ए वाई यानी वर्टिकल मोशन, तो एस की जगह वाई, यू वाई की जगह यू साइन थीटा, ये क्या है हमारे पास यू वाई, टी की जगह ये रहा फ्रॉम वन, टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, और ए वाई की जगह माइनस जी, ऊपर जा रहा है तो माइनस जी, तो वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, इसकी वैल्यू यहां रखी, फिर टी की वैल्यू यहां रखी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, जी की ए वाई की जगह माइनस जी और टी की जगह एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। जब ये सारी वैल्यू रखता हूं तो वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, अब देख ले यू से यू कैंसिल हो गया, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस टेन थीटा। इस इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, क्या कहते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड मेकिंग एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। अब ये इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन एक्स एंड लीनियर इन वाई, hence trajectory of projectile is parabolic in nature, hence trajectory of projectile is parabolic in nature, क्योंकि ये quadratic है x में linear है y में, इसलिए इस equation की जो trajectory होगी path होगा वो parabolic होगा। students जब object इस तरह से projectile motion में है यानी object is projected making angle theta with horizontal, तो एक स्टेज ऐसी आती है जब वो सबसे ज्यादा हाइट कवर करेगी, यानी जब वो मैक्सिमम हाइट पर होगी, वो कहां होगी मैक्सिमम हाइट पर होगी, और उस मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला कि यहां पर उसकी हाइट कितनी होगी, यानी एक ऑब्जेक्ट जब यू वेलोसिटी से फेंका
थीटा एंगल बनाते हुए तो कितनी मैक्सिमम हाइट वो कवर कर सकता है, उसके लिए हमने फॉर्मूला यूज किया वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए। वी क्या है? जीरो, क्योंकि मैंने बताया था जब ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में होगा तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो जीरो। हालांकि जो एक्स कंपोनेंट होगा वो मैंने बता रखा है, वो एक्स कंपोनेंट हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। एक्स कंपोनेंट हमेशा सेम रहेगा, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पर, सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। और एस, एस की जगह क्या लेंगे हम? एच। यू वाई इज इक्वल टू यू वाई, ये वाला वाई कंपोनेंट क्या होगा? यू साइन थीटा। और ए वाई क्या होगा? माइनस वी। ए वाई क्या होगा? माइनस वी, क्योंकि ऊपर की ओर मोशन हो रहा है तो हम जी को किस में लेंगे? माइनस में। तो स्टूडेंट्स मैंने ये वैल्यूज यहां रखी, देखो जीरो का स्क्वायर, यू की जगह यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस टू जी एच। अच्छा कर ले, ये आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टू जी एच, या एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, यानी मैक्सिमम हाइट, यानी यू वेलोसिटी से थीटा एंगल बनाते हुए जा रहा है तो मैक्सिमम हाइट निकालने का फॉर्मूला आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। इसी तरह से स्टूडेंट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू बी इन एयर, हवा में रहने का टाइम, यानी जो ऑब्जेक्ट यहां से गया और यहां तक पहुंचा, ऑब्जेक्ट यहां से गया और यहां तक पहुंचा तो हवा में रहने का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मेरे पास फॉर्मूला है वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। तो यहां पर क्या होगा, पहले तो ऑब्जेक्ट ऊपर गया फिर ऑब्जेक्ट नीचे आया, पहले ऑब्जेक्ट ऊपर गया फिर ऑब्जेक्ट नीचे आया, तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं फॉर अपवर्ड मोशन, यानी ओ से ए तक, ओ टू ए, कहां से? ओ टू ए का जो टाइम होगा, अगर यहां से लेकर यहां तक टाइम टी है, अगर यहां से लेकर यहां तक कैपिटल टाइम टी है, टाइम ऑफ फ्लाइट टी है, तो ओ से ए तक का टाइम क्या होगा? टी बाय टू। यानी ओ से ए तक का टाइम क्या होगा? टी बाय टू। और ए से ओ डैश का टाइम क्या होगा? टी बाय टू। अगर ये पूरा टाइम टी है तो ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम, हमें पता है जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है, अगर ये पूरा टाइम टी है तो ये भी टी बाय टू, ऊपर जाने का भी टी बाय टू और नीचे आने का भी टी बाय टू। तो हमने स्मॉल टी क्या ले लिया, ओ टू ए के लिए स्मॉल टी क्या ले लिया? टी बाय टू, जबकि हमें टी निकालना है। तो स्टूडेंट्स इसमें जब हमने वैल्यू रखी जीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस यू वाई की जगह ए वाई की जगह जी माइनस डी टी बाय टू, ये टी इज इक्वल टू आ गया हमारे पास टू यू साइन थीटा अपॉन जी। कैपिटल टी इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा अपॉन जी, कैपिटल टी इज इक्वल टू क्या आ गया? टू यू साइन थीटा अपॉन जी। टाइम ऑफ फ्लाइट का हमने फॉर्मूला पढ़ लिया टू यू साइन थीटा अपॉन जी। नेक्स्ट है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड मेकिंग एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है? हॉरिजॉन्टल स्पीड, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है? हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है? हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड हमारे पास क्या है? यू कॉस थीटा। टाइम,
टाइम मैंने कितना बताया अभी, मैंने वहां प्रूव किया था 2u sin theta upon g, यू स्क्वायर बाहर लिख लिया 2 sin theta cos theta upon g, ये आ गया यू स्क्वायर 2 sin theta cos theta को sin 2 theta upon g। तो इस तरह से मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया किसका, हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी अगर मुझे यू और थीटा पता है, यू और थीटा पता है, तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज, ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है यहां से लेकर यहां तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैं इजिली निकाल सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इजिली निकाल सकता हूँ। स्टूडेंट्स, इसके बारे में मैं ये भी बता दू, हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम फॉर थीटा इज इक्वल टू 45। हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम फॉर थीटा इज इक्वल टू 45। तो थीटा की जगह मैं जब 45 रखता हूं, थीटा इज इक्वल टू 45 रखता हूं, तो यू स्क्वायर साइन 90 अपॉन जी, और साइन 90 क्या होता है, 1। मेरी बात समझ गए? तो आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, या फिर आप ये कह लो आर मैक्सिमम होगा, आर इज मैक्सिमम व्हेन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, जब साइन मैक्सिमम होगा, जब साइन क्या होगा मैक्सिमम होगा, तब आर भी मैक्सिमम होगा। दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा। हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा। हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा, यानी किसी ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से थीटा एंगल बनाते हुए फेंका, उसका पाथ ये रहा, यहां से रुक गया, दूसरे ऑब्जेक्ट को सेम वेलोसिटी यू से 90 माइनस थीटा एंगल बनाते हुए फेंका, वो भी यहां कर रुक गया। तो दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा। थीटा को मैं 30 डिग्री ले लेता हूं, 30 डिग्री ले लिया, तो 90 माइनस 30 क्या हो जाएगा, 60। आप देख लो 30 और 60 दोनों के लिए हॉरिजॉन्टल रेंजेस सेम, 30 और 60 दोनों के लिए हॉरिजॉन्टल रेंजेस सेम। मेरी बात समझ गए? यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उन्होंने सेम कवर किया, लेकिन अगर मैं 45 डिग्री ले लूं, मैंने क्या ले लिया 45 डिग्री, सेम वेलोसिटी है लेकिन 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए फेंका, तो वो ऑब्जेक्ट कहां गिरा, दैट इज रेंज इज, उस केस में रेंज क्या है मैक्सिमम है, इस केस में रेंज क्या है मैक्सिमम है, यानी 45 डिग्री पर रेंज जो होगी वो मैक्सिमम होगी। आपने देखा होगा क्रिकेट प्लेयर भी जब बॉल को फेंकता है तो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए फेंकता है, जिससे कि वो बॉल का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। स्टूडेंट्स, आइए हम प्रूव करते हैं मैथमेटिकली फॉर थीटा। जब मैंने यहां पर थीटा रखा तो u स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, मैंने थीटा की जगह 90 माइनस थीटा ले लिया, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा लिया, तो u स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन जी, u स्क्वायर साइन इसकी मल्टीप्लाई किया 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी, या u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आप देख रहे हैं मैथमेटिकली भी दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है, फ्रॉम 1 एंड 2 r1 = r2। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा, हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा। स्टूडेंट्स, अगला स्टूडेंट्स, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। स्टूडेंट्स, जब ऑब्जेक्ट थीटा एंगल बनाते हुए यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल के साथ प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है, एट एनी, तब इस यू को दो कंपोनेंट में हम रिजॉल्व कर सकते हैं, एक तो यू कॉस थीटा और दूसरा इसका कंपोनेंट है यू साइन थीटा। मैंने ये भी स्पोज कर लिया
एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट ऑब्जेक्ट इज एट पी। ऑब्जेक्ट कहां पर है? पी पर। मेरी बात समझ गए? अब पी पर दो तरह की वेलोसिटी है। पहली वेलोसिटी है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल मोशन। ये क्या होगा? यू कॉस थीटा। क्या होगा? यू कॉस थीटा। यानी जो हॉरिजॉन्टल मोशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जो ये है वही रहेगा। यानी ये कितना आ गया? यू कॉस थीटा। लेकिन वर्टिकल मोशन यानी अलोंग वाई एक्सिस, हमारा फॉर्मूला, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। तो वी वाई, वी वाई हमारे पास निकालना है, यू वाई हमारे पास क्या है? यू इनिशियल वेलोसिटी, यू साइन थीटा, ए वाई क्या है? माइनस। तो वी वाई क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा माइनस जी टी, यू साइन थीटा माइनस जी टी। आप देख ले, अब ये वी एक्स और वी वाई, यानी वी एक्स और वी वाई, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ये रहा v। तो दिस v, इसी को निकालना है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। आप ध्यान से देख ले, इसी वेलोसिटी को हमें डिटरमाइन करना है, और ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा v इज इक्वल टू रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वेक्टर ला, वेक्टर ला से इसको हम रिजल्टेंट निकालेंगे। तो v इज इक्वल टू आ गया हमारे पास वी एक्स का स्क्वायर यानी यू कॉस थीटा होल स्क्वायर, वी वाई का मतलब यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू जी टी साइन थीटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो ये आ गया वी इज इक्वल टू यू स्क्वायर कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन होता है प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू जी टी साइन थीटा। ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया किसका? v रिजल्टेंट वेलोसिटी u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस टू यू जी टी साइन थीटा। अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी इसके साथ बीटा एंगल बना रही है तब tan बीटा, तब क्या होगा? tan बीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई कितना है हमारे पास? ये रहा वी वाई यू साइन थीटा माइनस जी टी, और वी एक्स कितना है हमारे पास? यू कॉस थीटा। ये आ गया हमारे पास टेन बीटा। ये क्या आ गया? टेन बीटा, यानी टेन बीटा हमारे पास आ गया यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड, क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड मेकिंग एंगल थीटा विद वर्टिकल, यानी थीटा यहां से, थीटा हमारे पास यहां से है हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। अगर थीटा वर्टिकल से आ गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अब जैसे तो उस केस में क्या होगा कि हमारे जितने भी फॉर्मूले हैं, जैसे एच है, एच क्या था हमारा फॉर्मूला? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। लेकिन इस केस में एच क्या हो जाएगा? इस केस में ये एच मैक्सिमम हाइट हमारे पास क्या होगी? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g और साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का यहां पर फॉर्मूला था जो पीछे हम पढ़ चुके हैं, 2u साइन थीटा अपॉन जी। लेकिन इस केस में जब मेकिंग एंगल थीटा विद वर्टिकल है तब टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होगा 2u साइन
माइनस थीटा अपॉन जी यानी 2u कॉस थीटा अपॉन जी। क्लियर है, मेरी बात समझ गए? अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आपने क्या करना है ये मैंने आपको बता दिया। स्टूडेंट्स, ये था प्रोजेक्टाइल मोशन का थ्योरी पार्ट, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का थ्योरी पार्ट है और प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ कंसेप्ट्स, कुछ न्यूमेरिकल्स हम फिर डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। देखते रहे, समझते रहे। थैंक यू एंड विश यू बेस्ट।